राधे राधे एवरीवन, आप सभी लड्डू गोपाल की सेवा में मस्त होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है, अगर आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाते हैं तो हमें क्या करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही खास वीडियो है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाते हैं और सुलाना भूल जाते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना है। तो हम सभी के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और ये सेवा का मौका लड्डू गोपाल हर किसी को नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आप अपने लाला लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को सुलाना भूल जाए तो क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है हम सभी के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं शाम से रात तक की लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करती हूँ, यानी अपने प्यारे लाला लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को किस प्रकार सुलाती हूँ। तो सर्दियाँ बहुत अधिक हैं, अपने ठाकुर जी का, अपने लड्डू गोपाल का खास ख्याल रखें, उनको अच्छे से कपड़े पहना उड़ा कर रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप किसी दिन ठाकुर जी को किसी कारण से सुलाना भूल जाते हैं तो आपके ठाकुर जी क्या आपसे नाराज हो जाएंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल को रात्रि में सुलाना भूल गए किसी दिन और आपके ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं। और अगर आप किसी कारण से अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गए हैं तो अपने ठाकुर जी से, अपने लाला से माफ़ी कैसे मांगें? तो सुलाना भूल क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। वैसे तो हमें लड्डू गोपाल का हर कंडीशन में ख्याल रखना चाहिए, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, सुबह उठाने से लेकर रात्रि तक हमें उनका, यानी सुलाने तक का हमें ख्याल रखना होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल या ठाकुर जी श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप हैं, तो हमें उनको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होता है, यानी एक बच्चे के भांति उनका हमें ख्याल रखना होता है। सुबह उठाना, स्नान कराना, पूजा करना, भोग लगाना, सुलाना, तो एक छोटे बच्चे की जिस तरह हमें उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल का ख्याल रखना होता है। तो अब बात करते हैं कि आपके आगे ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप उन्हें सुलाना भूल गए हैं। अगर आप घर से बाहर हैं और आपको घर आने में लेट हो गया है, जो कि आपको पहले से नहीं पता था, या फिर आपको पता नहीं था कि घर से जाने पर हमें वापस आने पर इतना समय लग जाएगा, और दूसरा आप घर पर ही हैं लेकिन आज आपका ठाकुर जी को सुलाना भूल गए हैं और रात को 2 बजे या 3 बजे जब भी आपकी आंख खुली तो आपको याद आया और तुरंत जाकर आपने ठाकुर जी को सुला दिया। तीसरा, आप घर पर हैं लेकिन बिस्तर में लेट चुके हैं और आपको अब आलकस आ रहा है बिस्तर से निकलने का या फिर उठने का। और अगर आप गलती से सुलाना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस तरीके का आलकस बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती से वो लोग सुलाना भूल जाते हैं जिन लोगों ने लड्डू गोपाल की नई नई सेवा शुरू की है, और जो लोग 2 साल से या 1 साल से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो वो लोगों को एक ये रूटीन में आ जाता है, उनको स्वतः ही ये चीज़ें याद आ जाती हैं। और जब हम ठाकुर जी की मन से और हृदय से और भाव से सेवा करते हैं तो सारी चीज़ें हमें अपने आप ही रूटीन के ज़रिए याद आती जाती हैं। तो जिन लोगों ने नई नई सेवा शुरू की है कुछ महीने पहले, 1 महीने 2 महीने पहले, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा याद नहीं रहती हैं, तो कभी कभार भूल चूक हो जाती है। और अगर आपसे भूल चूक हो भी जाती है तो हम अपनी भूल को कैसे सुधारें? जिस दिन हम लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गए हैं तो उसके अगले दिन हमें क्या करना है? तो मैंने आपको बता दिया कि भूलते वही लोग हैं जो सेवा में नए होते हैं, जो 1-2 साल से अपने लाला की सेवा करते आ रहे हैं वो लोग कभी नहीं भूलते हैं। और जब हमारा हृदय, हमारा प्रेम जब प्रभु से मिल जाता है, हमारा प्रेम इसका दर बढ़ जाता है, तो हम ठाकुर जी की कोई भी सेवा नहीं भूलते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये गलती उन्हीं लोगों से होती है जो लोग सेवा में नए नए होते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, भाव से सेवा करते आ रहे हैं और सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, तो वो लोग सुलाना कभी नहीं भूलते हैं। तो भगवान यानी ठाकुर जी उन लोगों से नाराज नहीं होते हैं जो लोग भूल से सुलाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले, अब हमें माफ़ी कैसे मांगनी है जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाए? तो हमारे ठाकुर जी तो बहुत दयालु हैं, वो सभी को माफ़ करते हैं। परमात्मा अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते हैं और ना ही उन्हें कोई सजा देते हैं।
वो तो हमारे कर्म हैं जो हमें अपने कर्मों द्वारा सजा मिलती है। तो अगले दिन हमें माफ़ी कैसे मांगनी है, अपने लाला को कैसे मनाना है, तो जो भी आपके लाला को अधिक पसंद है वो बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर माखन, मिश्री, हलवे, खीर, जिस भी चीज़ का आप भोग लगा सकें उसका भोग लड्डू गोपाल को लगाएं और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करें और अपने ठाकुर जी से बोलें कि लाला मैं तुझे सुलाना भूल गई। तो इस तरीके से अपने लाला से माफ़ी मांगें। और अगला, अगर आप रात को सुलाना भूल गए हैं और आपका भाव ऐसा है कि पूरी रात मेरा लाला बैठा रहा, थक गया है, उसे नींद आ रही होगी, तो अपने ठाकुर जी को, अगर सर्दियां हैं तो देखिए हल्के गुनगुने जल से आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उन्हें भोग लगाएं, पूजा आरती करें, और दोपहर के आप 12 बजे लगभग, अगर जो लोग दिन में नहीं सुलाते हैं तो उन लोगों से, और रात को सुलाने में जब गलती हो जाती है तो आप उनको दोपहर के 12 बजे आप अपने लड्डू गोपाल को सुला दें, फिर उन्हें आप 3 या 4 बजे अपने लाला को ताली या घंटी बजाकर उठा सकते हैं। तो काफ़ी लोग तो दिन में सुलाते ही होंगे लड्डू गोपाल को, तो उनको फिर से सुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिन में नहीं सुलाते हैं और रात्रि को सुलाना जब भूल गए हैं तो दिन में उनको रेस्ट देना है, उनको आराम देना है, तो इस तरीके से आपके लड्डू गोपाल की नींद पूरी हो जाएगी। तो लड्डू गोपाल की नींद पूरी करने का यही तरीका है। आप चाहें तो मालिश करके अपने लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, सर्दियों में आप घी से या तेल से मालिश कर सकते हैं, और गर्मियों में आप इत्र से मालिश कर सकते हैं, और इत्र के भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, गर्मियों में गर्म तासीर, ठंडे तासीर का, और सर्दियों में गर्म तासीर का भी इत्र आता है, तो आप उससे भी मालिश कर सकते हैं। और सुलाते समय साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें लड्डू गोपाल के पास ज़रूर रखें, थोड़ा सा जल रखें लड्डू गोपाल के लिए, और जो भी भोजन आप लड्डू गोपाल के लिए रख रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। और मैं आपको ये बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा में अगर आपसे कोई भूल चूक कभी हो जाती है, आप समय पर उठाना भूल जाते हैं किसी कारणवश, या फिर उनको सुलाना भूल जाते हैं, तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, और बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी। अगर मैं विस्तार से बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। दो भाई थे और एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम था कर्मचंद, जो कि एक जो बड़ा भाई था वो बहुत पूजा पाठ करता था, सभी लोगों की बात मानता था, और जो छोटा भाई था वो गलत संगत में आकर बहुत ही गलत व्यक्ति बन गया था, जो शराब, मदिरा और लोगों को गालियां दिया करता था। तो पूरी ज़िंदगी उसने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया था, और उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज उसे अपने साथ ले जाते हैं। सिर्फ उसने अपने जीवन में भगवान का नाम सिर्फ एक ही बार लिया था, जब उसके पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का जब हिसाब किताब होता है तो उसमें पता लगता है कि इसने तो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ राम का नाम एक बार ही लिया है। तो देवराज इंद्र के पास जाते हैं यमराज पूछने के लिए कि राम नाम की महिमा क्या होती है, सिर्फ इसने एक बार ही राम नाम लिया है तो इसका पुण्य फल इसको क्या मिलेगा। तो देवराज इंद्र को नहीं पता होता है, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसने पूरी अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही राम नाम लिया है तो उसका इसको क्या फल दिया जाए। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी को भी नहीं पता होता है, तो वो कहते हैं क्यों ना देवों के देव महादेव के पास चला जाए। तो जब उस व्यक्ति को ये पता चल चुका होता है कि मेरी महिमा अब बढ़ चुकी है तो मैं पैदल ना जाके अब रथ यात्रा पर जाऊंगा, तो वो रथ यात्रा पर उसको शिव जी के पास लेकर जाते हैं। तो शिव जी समझ जाते हैं ये तो कोई बहुत ही महान व्यक्ति होगा, पर उसको बताया जाता है, जब ब्रह्मा जी खुद पूछते हैं कि इसने सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार राम नाम लिया है तो इसका अर्थ क्या है, तो शिव जी बोलते हैं कि इसका क्या कीमत है, क्या फल है इसका, इसको जो मिलेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है, जिनका ये स्वयं नाम है श्री हरि विष्णु का, क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए, उन्हीं के पास चला जाए। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, इसी बहाने से हम सभी को दर्शन करने के लिए मिलेंगे, साथ में ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, यमराज और महादेव सारे लोग, और उसको रथ पर बिठाकर श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं और श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं। तो जब वो देखते हैं कि सारे ही लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और उस व्यक्ति को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और जब वो यमराज उनको ये बताते हैं कि इसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही राम नाम लिया है, इसका इसको क्या फल मिले, और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में शराब, मदिरा और लोगों को हमेशा गालियां दी हैं, हमेशा परेशान किया है,
तो इसके एक बार राम नाम लेने का क्या फल दिया जाए। तो श्री हरि विष्णु जी ये कहते हैं इसकी कीमत तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन एक बार राम नाम लेने से जो व्यक्ति मेरी गोद में बैठा हुआ है इसकी महिमा आप स्वयं देख लीजिएगा। और जो व्यक्ति मन से और भाव से और प्रेम से हृदय से जब प्रभु का एक बार नाम लेता है तो वही पर्याप्त होता है। तो इसी प्रकार जब आप किसी दिन अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाएं तो अपने मन में ये विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि हमें हमारे ठाकुर जी सजा देंगे या हमसे महापाप हो गया या है या फिर हमसे वो नाराज हैं। तो जब प्रभु का सिर्फ भाव से और हृदय से एक बार नाम लिया जाता है तो वही हमारी सच्ची पूजा और भक्ति होती है। ये उसी प्रकार का प्रेम है, जब डोर हाथ में होगी तो पतंग अपने आप हाथ में आ जाएगी। इसका अर्थ है आप भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो राधा राधा नाम रटते रहिएगा, प्रभु अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।